देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा द्वारा 30 जून तक चलाए जाने वाले जनसंपर्क अभियान के तहत आज नजफगढ़ जिले की नजफगढ़ विधानसभा में बीजेपी पार्टी के कार्यक्रम प्रमुख रमेश गहलोत की अध्यक्षता में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का हुआ आयोजन, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में जिला अध्यक्ष रमेश शोखंदा का सानिध्य प्राप्त हुआ। सम्मेलन में पार्षद देवेंद्र डबास के अलावा मोर्चा अध्यक्षा सुनीता खत्री डबास, सुंदर डागर, मनोहर सहित सभी मंडल अध्यक्ष और मोर्चा टीमों ने अपनी उपस्थिति की जाहिर। प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा कार्यालय मंत्री रूपराम, प्रदेश महिला मोर्चा के कार्यकारी सदस्य पूनम शर्मा ने अग्रणी तौर पर शिरकत की। संयुक्त मोर्चा सम्मेलन के दौरान पिछले 9 वर्षों से मोदी के नेतृत्व में विकास कार्यों संबंधित आम जनता के लिए अनगिनत जनहित कल्याणकारी योजनाओं पर खुलेआम चर्चा की गई, जिसको लेकर वहां उपस्थित जनमानस हर्षोल्लास से भरे नजर आए हैं। आपको बता दें चले, संयुक्त मोर्चा सम्मेलन के मुख्य कार्यक्रम प्रमुख रमेश गहलोत ने मीडिया के समक्ष बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा हर गरीब तबके के लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं चल रही हैं और आप चाहते हैं कि सरकार की इन सभी स्कीमों का फायदा हर देशवासी को मिले, वो भी बेहद लाजमी है क्योंकि वह इससे असल हकदार है। बीजेपी मोर्चा अध्यक्षा सुनीता खत्री डबास ने इस भव्य सम्मेलन के दौरान एकत्रित हुई और महिलाओं को संयुक्त मोर्चा सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य से अवगत करवाया। उन्होंने सभी को अग्रसरी तौर पर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि हम महिलाओं को मात्र अपनी अंदरूनी शक्ति को जागृत करने की जरूरत है। इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर 30 जून तक चलाए गए जनसंपर्क अभियान को सफल बनाकर प्रधानमंत्री योजनाओं को हर घर तक पहुंचाना है। कार्यक्रम के अंतिम चरण में इस अभियान को पूरी तरीके से सफल बनाने के लिए सभी ने एक साथ शपथ ग्रहण करते हुए सबका साथ सबका विकास के नाम को फिर से आगे बढ़ाने के लिए दोहराया है। नजफगढ़ से अनिल वर्मा की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर 9 साल बेमिसाल महाजनसंपर्क अभियान इसके तहत अनेकों कार्यक्रम कर रही है। पिछले 9 साल में 2014 से लेकर और अब तक देश ने कितना विकास किया है, कितनी प्रगति की है और इस नरेंद्र मोदी सरकार ने कितने काम किए हैं वो जनता के बीच में ले जाया जा रहा है। अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि 2014 से पहले का भारत कैसा था और 2014 के बाद से इन 9 सालों में क्या हुआ है। अभी एक विकास तीर्थ यात्रा जो हमारे यहाँ 11 तारीख को थी, उसमें आदरणीय प्रवेश वर्मा जी जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं पश्चिमी लोकसभा के, वो हम सभी कार्यकर्ताओं को उस विकास तीर्थ यात्रा पे लेके गए थे और उनकी अपनी लोकसभा में लाखों करोड़ों रुपए के काम हुए हैं, जिसमें बेहतरीन से बेहतरीन जो पूरे एशिया के स्तर पे कन्वेंशन सेंटर है, गोल्फ सेंटर है, UER2 है, द्वारका एक्सप्रेस वे है, नजफगढ़ का हॉस्पिटल है, ऐसे अनेकों काम हुए हैं वो भी उस विकास तीर्थ के माध्यम से वहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को देखने का मौका मिला है। कुल मिला के 9 साल बेमिसाल मोदी सरकार, इसके तहत ये महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है और पूरा देश जो है वो देख रहा है आने वाले 2024 में एक बार फिर से बहुत भारी बहुमत से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी।